यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनान् मृत्योर्मुक्षे मामृतान्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड अर्थात की पार्वती खंड की दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ। महादेव का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। जय श्री शंभु, जय भोलेनाथ। द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में हम श्रवण करेंगे देवताओं एवं भगवान विष्णु के द्वारा शिवा की स्तुति। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा, हे पितामह, आपने मैना के जन्म और विवाह का प्रसंग बतलाया है, अब कृपा कर आगे की चरित्र के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने तब आगे का वृत्तांत बतलाते हुए नारद से कहा, हे नारद श्रेष्ठ, मैना के साथ विवाह करके हिमाचल अपने धाम को लौट आई। उस समय खूब भारी उत्सव मनाया गया, यह आनंद को प्रदान करने वाला था। गृहस्थ जीवन के सुख को भोगते हुए समय व्यतीत होने लगे। उस समय श्रीहरि और अन्य देवगण हिमाचल के पास गए। इन सभी को तब हिमाचल ने प्रणाम किया और अपने भाग्य की खूब सराहना करने लगे। प्रेमवश हिमाचल की आंखों से आंसू बह पड़े। उसने तब कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया तथा मेरा कुल भी धन्य हो गया। आप सभी एक साथ यहाँ किस कार्य हेतु पधारे हैं, वह आज्ञा दें। गिरिराज हिमाचल के वचन को सुनकर के तब सभी देवतागण कहने लगे, हे हिमाचल, ब्रह्मांड की माता उमा जो दक्ष पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर के रुद्र की पत्नी बनी और पृथ्वी पर दीर्घ काल तक क्रीड़ा करके पिता के यज्ञ स्थल पर अपमान को पा करके शरीर का त्याग किया, वह परम धाम को जा चुकी है। यदि उन सती का जन्म पुनः तुम्हारे यहाँ हो तब इससे देवता तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भगवान विष्णु की इस बात से गिरिराज हिमालय प्रसन्न होकर के सहमत हो गए। तब देवताओं ने सती को प्राप्त करने का विधान बदला कर स्वयं शिव की पत्नी उमा की शरण में जाकर के उनसे कहने लगे, हे जगत जननी, हे शिव रूपी, हम पर प्रसन्न हो। देवताओं की स्तुति और वंदना करने से जगदम्बा प्रसन्न हो गई। देवताओं ने तब कहा, हे उमा, हे शिवलोक निवासिनी, हे दुर्गे, हे भवानी, आपको नमस्कार है। हे कल्याणमयी माता, हे वेदों की जननी, हे ब्रह्मांड पालनी, हे धर्म निरूपणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ही सौभाग्य को प्रदान करती हैं और आप ही पापों का अंत करती हैं। आप ही जीवन दायिनी हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी में आप ही विद्यमान हैं। हे दुख हरणी देवी, हम पर प्रसन्न हो। पापियों के घर में और लक्ष्मी अर्थात की दरिद्रता बन करके और संतों के यहाँ लक्ष्मी बन करके आप ही पोषण करती हो। इस प्रकार सभी देवता जगत जननी माता रानी की स्तुति करके चुपचाप खड़े हो गए। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे पार्वती देवी का देवताओं को दर्शन तथा देवताओं की बातों का मान रखना। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी आगे नारद से कहते हैं, हे नारद श्रेष्ठ, देवताओं की स्तुति से जगत जननी प्रसन्न होकर के उनके समक्ष प्रकट हुई। परम दिव्य
और करोड़ों सूर्य के समान माँ की आभा को देख देवतागण हाथ जोड़े खड़े रहे। घुंघरू लगे रथ में कोमल बिस्तर अर्थात की गद्दे बिछे हुए थे, जो उस रथ की शोभा को और अधिक बढ़ा रहे थे। देवी में तीनों गुण विद्यमान थे। संकट नाशनी उन शिवा की तुलना किसी और से नहीं हो सकती थी। दुष्टों का दलन करने वाली उन महामाया को इसी कारण चंडी कहा गया, जो कि सभी का कल्याण करती हैं। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली देवी के तेज की वजह से देवता उन्हें भली भांति देख नहीं सके। देवताओं ने तब देवी की पुनः स्तुति की और उसके बाद कहा, हे संकटनाशिनी देवी, हम पर प्रसन्न हो। आपकी शरण में आए हुए भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं होता है। पूर्व काल में आप दक्ष कन्या के रूप में जन्म लेकर के शिव से विवाह करी थी। उस समय ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के दुखों का निवारण करने वाली देवी पिता के अपमान से आहत होकर के आपने शरीर का त्याग किया, जिसे हम सभी को और शिव को अत्यंत ही दुख हुआ। हे महामाये, आपके चले जाने से हमारा कार्य अधूरा रह गया, इसलिए आप पुनः जन्म लेकर के सनत कुमार के वचन को सत्य करें। इसमें शिव और हम सभी सुखी हो जाएं तथा संपूर्ण दुखों का नाश हो। तब शिवा शिव का ध्यान करके देवताओं से कहने लगी, तुम लोग व्यर्थ ही चिंता करते हो, इसका त्याग करके निश्चिंत तो हो जाओ। मैं दुखों के हरण के लिए पुनः जन्म लूंगी। मेरे स्वामी नित्य मेरा स्मरण करके दुख को पाते हैं। पूर्व जन्म में पिता दक्ष के यहाँ अनादर के कारण मैंने शरीर का त्याग कर दिया, तब से ही शिव दिगंबर हो गए। मेरे वियोग को शिव सहन न कर सके, अतः उनका भी मान रखते हुए हिमाचल एवं मैना के पुत्र के रूप में मैं अवतीर्ण होकर के पुनः शिव के साथ परिणय सूत्र में बन जाऊंगी। रुद्र की प्रिया बन करके मैं देवताओं के कार्य को तब संपन्न करूंगी। इसलिए तुम सभी अपने धाम प्रसन्नतापूर्वक लौट जाओ। भगवान शिव की कृपा से जल्द ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी आके नारद से कहते हैं, हे नारद, इसके बाद शिवा अंतर्ध्यान हो गई और प्रसन्नता को पा करके सभी देवता भी पुनः अपने धाम को चले गए। जो भी भक्तगण इन कथाओं को श्रवण करता है, पठन करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, उन सभी पर महादेव की कृपा सदैव बरसती रहती है। उमापति महादेव अपने सभी भक्तों को बहुत अधिक प्यार और स्नेह देते हैं, बिना मांगे उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं, कल आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।